बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्रैक होगा कि नहीं होगा, डिप्रेशन टाइप फील होता है एंड फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा कमी रह रही है, जितना हम पहले एक दिन में पढ़ लेते थे उतना अब हम नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। ऐसा क्या मेरे साथ गलत हो रहा है? क्या ये सबके साथ हो रहा है? और इज इट जस्ट मी? वॉट टू डू? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई 20 डेज एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरे को अगले साल भी नीट की तैयारी करनी पड़े। देखिए बेटा, ये सब वीडियोस मैं उन सब बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनके मुझे एक्सट्रीम मैसेजेस आ रहे हैं। माई टेलीग्राम इज फुल ऑफ मैसेजेस, माई इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ मैसेजेस एंड मुझे दुख हो रहा है ये पढ़कर कि आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपके पास सच में बहुत कम समय बचा है। सोचने से तो देखिए नहीं होता है। टुडे आई विल बी वेरी हार्श विद यू, प्लीज लेट मी अवेयर यू एंड वॉर्न यू। आप ये वीडियो तभी पूरी देखिएगा अगर आप वो हार्श वर्ड सह सकते हैं, क्योंकि बेटा ये सच जो है, सच बोलने वाली हूँ मैं। आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। होता तो फिर 25 लाख बच्चों का हो जाता। माना कि एग्जाम टफ है, वो सबके लिए एग्जाम टफ है। एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, इस समय सबको एक्सट्रीम प्रेशर फील हो रहा है, चाहे आपके 700 नंबर क्यों ना आते हो पहले, प्रेशर इस समय सबको फील हो रहा है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है सबके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप अपना टाइम अपना ध्यान सिर्फ इसी चीज में अभी लगाएंगे कि यार कितने नंबर आएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, MBBS नहीं कर पाया तो क्या होगा, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन का क्या होगा, मम्मी ने तो मेरे लिए ये सोचा हुआ है, रिश्तेदार मेरे लिए ये बोल रहे हैं, दिस दैट, नहीं होगा ऐसे। आप प्लीज रियलाइज कीजिए यू आर लेफ्ट विद लिटरली 20 डेज। मैं लास्ट के 2-3 दिन को काउंट नहीं करती हूँ क्योंकि उस समय आपका एडमिट कार्ड, ट्रैवलिंग एंड ये सब चीजों की वजह से 2-3 दिन तो कहीं नहीं गए हैं आपके, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। इस समय पर जब भी लगे ना कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूं, हमेशा देखा करो कि कोई और तो पढ़ रहा है जो तुमसे आगे निकल रहा है, इस वजह से कोई और है जो तुम्हारी जगह मेहनत कर रहा है। इट इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी है। इस समय सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है, सब बच्चे बहुत प्रेशर में हैं, लास्ट का ओवर बहुत मैटर करता है। आपने देखा है ना महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, लास्ट के ओवर में किस तरीके से वो बहुत कामली, जबकि उनको पता है कि स्टेडियम में 1 लाख लोग उनपे नजर टिकाए हुए हैं, उनसे उम्मीदें बनाए हुए हैं, और इंडिया के करोड़ों लोग उनसे टीवी पर बैठकर उम्मीदें बनाए हुए हैं, तो जो वो लास्ट ओवर में एक बार आप उसको देख लीजिए जाके, जस्ट लुक एट द फेस, फेशियल एक्सप्रेशन, लुक एट द वे दे रिएक्ट। उनको भी पता है कि वो 6 बॉल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो 1 लाख लोगों के हूटिंग पर या उनकी उम्मीदों के बारे में सोचेंगे तो वो 6 की 6 बॉल्स बेटा 0 पे जाएंगी, हो सकता है वो आउट भी हो जाए। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, इस समय जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसको कैसे यहाँ पर इनकलकेट कर सकता हूँ। इसके लिए आपके माइंड का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला था कि डेली थोड़ी सी ब्रीदिंग करा करो, थोड़ा सा अपने ब्रेथ पर फोकस करा करो। ब्रेथ तो आप लेते ही हैं पूरा दिन, लेकिन फोकस वे में नहीं लेते हैं। फोकस वे में ब्रीदिंग मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जिसको नहीं पता क्या होती है। आपको इनहेल करना है, मतलब कॉन्शियसली बैठकर इनहेल करना है, एंड जितना आप इनहेल करते हैं उससे ज्यादा काउंट्स में एक्सहेल करेंगे, यानी कि 4 काउंट्स में अगर मैंने इनहेल किया तो 6 काउंट्स में, 8 काउंट्स में आई विल एक्सहेल। इस प्रैक्टिस को 5 मिनट 7 मिनट धीरे धीरे करो, आपके माइंड में सच में स्टेबिलिटी आएगी। अभी हो क्या रहा है, आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेज चल रहा है, और आपको पता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में हम कभी भी बहुत अच्छा लर्निंग नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू कम इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दैट इज पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपथेटिक तभी काम करेगा अगर आप ये ब्रीदिंग वाली प्रैक्टिस थोड़ा सा करेंगे, अगर आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम रहता है। एंड प्लीज रियलाइज दिस कि सच में बहुत कॉम्पिटिशन है, जो होगा देखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रही सबके साथ पॉजिटिव होगा, हो भी नहीं सकता ना, 25 लाख बच्चों को तो एडमिशन नहीं दे सकते MBBS में, हमारे पास सीट जब 1 लाख है तो 25 लाख को कैसे दे सकते हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है कि मेरे 600 नंबर आएंगे, 650 आएंगे या 300 नंबर आएंगे, आपके हाथ में क्या है, हम तो वही कर सकते हैं ना। सो वी कैन वर्क ऑन ओनली कंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल है कि यार मैं अगले 20 दिन बेस्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, बेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग मैं रिविजन प्लान बना लूँ, यही मेरा कंट्रोलेबल है। अब मेरा बेस्ट प्लान क्या है, मेरा बेस्ट प्लान है कि यार मुझे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, 10-12 मुझे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने, ये मेरे वन शॉट मुझे बड़े वीक लगते हैं, ये वाले चैप्टर्स जेनेटिक्स हो सकता है, कोई पी ब्लॉक हो सकता है, वट एवर इट इज, मुझे इनको एक बार ही दोबारा देखना है। यही कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो। NTA में जाके पेपर खुलवा के तो नहीं देख सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे, वो फ्यूचर है, फ्यूचर में मत खेलिए। बस एक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नीट एग्जाम से जब मैं निकलूँ ना तो मेरे माइंड में ये ना आए कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया।
फिर रिजल्ट लीव इट टू द गॉड, इट्स ओके, जो होगा देखी जाएगी और जो होगा ना वो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेट मी टेल यू। क्लियर हुआ तो बहुत अच्छा होगा, नंबर थोड़े कम आए, कॉलेज थोड़ा चॉइस का नहीं मिला, वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके लिए अच्छा ही होगा, इस चीज पे बिलीव करके करिए, थोड़ा सा बिलीव सिस्टम लेकर आइए। एंड बस ये हमारी कोशिश है कि मुझे रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। मेरा बेस्ट क्या है अब? मेरा बेस्ट ये है कि 8 घंटे की नींद के अलावा जितने घंटे बचते हैं, अब तुम देख लो 24 में से जितने बचते हैं, अब कोई मिसलेनियस एक्टिविटी के लिए नहीं जाने चाहिए, वो पढ़ाई में जाने चाहिए। क्या पढ़ना है? रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है? वन शॉट से। मेरे वन शॉट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कल मैं 11 शुरू कर रही हूँ, ह्यूमन फिजियो का पूरा वन शॉट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे जाऊंगी, उसको फॉलो करना। प्लीज आओ, लाइव क्लास अटेंड करो, ऐसी फिजिक्स का, ऐसी केमिस्ट्री का, बस लाइव क्लास अटेंड करो। एंड उससे बेटा जी आपका बहुत सारी चीजें, जब आप टीचर के प्रेजेंस में रिवाइज करते हो ना, एक डिफरेंट टाइप का रिविजन होता है, तो उसको आप अटेंड करें, उसको देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। हर संडे टेस्ट है, मैं AIMT का लिंक दे रही हूँ, फ्री टेस्ट है, सबको देना ही देना, नीट रेप्लिका क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो करें। एंड एक मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगी, जनरली मैं ये चीज नहीं बोलती हूँ स्टार्टिंग में, बट आज मैं जरूर बोलूंगी इस चीज को, क्योंकि वो आपको बहुत फायदा कर सकती है, मैंने बहुत बच्चों को उसमें स्ट्रगल करते हुए देखा है। और वो चीज है बेटा, कई बार ना बेटा हमें रियलिटी पता होती है। अभी मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, शी वॉज टेलिंग मी कि मैंने 11th बिल्कुल नहीं की है, मुझे आती नहीं है, 11th में आई वॉज वेरी वीक एंड 12th में भी ना मैं नहीं कर पाई और 12th मुझे अच्छे से नहीं आती। तो रियलिस्टिक चीज है, रियलिस्टिक इन द सेंस कि उसे भी पता है क्या होगा, मुझे भी पता है क्या होगा, बट आई विल नॉट से इट, शी विल नॉट से इट, आई वॉन्ट हर टू वर्क हार्ड बिकॉज ये जो 20 दिन में सीखेगी वो उसको अगले साल जरूर मदद करेगा। उस सेंस में हमें कहीं ना कहीं अब इंटरनल रियलिटी हमारी पता होती है कि यार मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, अगर मुझे ज्यादा, अब पीछे जो वो मेरे हाथ में नहीं है, अगर मुझे इससे ज्यादा समय मिल जाता तो मैं अच्छे से भी कर सकता था, मेरे को समझ सब कुछ आता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द वन जिनको सब कुछ समझ आता है बेटा, टाइम की कमी रह गई, वो कई बार अपनी गलती की वजह से रह जाती है, कई बार फैमिली सिचुएशंस होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको लगता है कि मेरा पोटेंशियल है लेकिन किसी वजह से मेरा टाइम कम है, टाइम कम रह गया है, तो एक सजेशन मैं आपको जरूर दूंगी, आप प्लस सब्सक्रिप्शन जो पहले हम 40,000 का देते थे ना, वो हमने 5,000 का कर दिया 2 दिनों के लिए, 4999 का, आप वो लेकर रख लीजिए, इट विल रियली बेनिफिट यू। इन केस फर्स्ट केस कह रही हूं, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, अगर ऐसा हुआ कि हमें जरूरत पड़ी तो आपको तब 40,000 नहीं देने पड़ेंगे, आपका वो सब्सक्रिप्शन बेटा 4999 चल रहा होगा। अगर आज सब्सक्रिप्शन लेते ना तो जुलाई तक का आपके पास है, तो अगला नीट एग्जाम इंक्लूडेड है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अब क्या इसमें एक बैच है? नहीं, इसमें सारे बैचेस आ जाएंगे, मेरे भी अनअकैडमी पे जितने टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यू नेम एनी टीचर, सबका बैच दिखेगा, 11, 12, 13 सबका बैच दिखेगा, ड्रॉपर बैच दिखेगा, मेरा क्रैश कोर्स आएगा वो भी दिखेगा, सबके क्रैश कोर्स दिखेंगे, सबके फास्ट ट्रैक सीरीज दिखेगी, सबका रिविजन दिखेगा, सारे टेस्ट, हर बैच का टेस्ट दे पाओगे। ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, लिटरली ऐसा कभी नहीं हुआ है। जनरली 5,000 तक में, 4-5,000 में एक बैच मिलता है, एक सेट ऑफ टीचर मिलते हैं, यहाँ पर 5,000 में तुम्हें सारे सेट ऑफ टीचर, सारे बैचेस, सब कुछ मिल रहा है। दिस इज नेवर टू मिस ऑफर। अगर कहीं भी 1% भी लगता है कि मुझे करना सिर्फ MBBS ही है, हो सकता है मेरा भी समय शायद कम रह जाए, शायद मैं पर्सनली चाहती हूँ तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाए, तुम्हें इसी साल MBBS मिल जाए, मेरी पर्सनली इच्छा है। 5,000 कुछ नहीं होते MBBS के सामने, नथिंग बेटा, नथिंग, 2-3 आप कंसल्टेशन करके उसको रिकवर कर लेते हो, ठीक है, बट आपके पेरेंट्स का बहुत सेविंग होगा एंड आपको भी एक रिलीफ रहेगा कि आई एम अंडर गुड हैंड्स राइट नाउ, आई एम ऑलरेडी अंडर गुड हैंड्स, मैंने इनके साथ 20 दिन 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, मैं इन टीचर्स को जानता हूँ, मेरे साथ अगर सोचो 6 महीने में अगर तुम 300-400 भी स्कोर कर ले रहे हो ना, कुछ बच्चे तो लास्ट के 3 महीने में कर लेते हैं 400 स्कोर, अगर वो एक साल पूरा पढ़ते तो क्या वो 700 नहीं लेके जा सकते? बिल्कुल लेकर जा सकते हैं, वैसे ही है बेटा। कई बार हमें समय जो होता है ना वो कम मिलता है, हम सीरियस बाद में होते हैं, हम पहले कुछ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व थे, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, नहीं इतनी अकल थी, नहीं समझ आ रहा था, नहीं इतना सिंसेरिटी आई थी, जब आई है तब ठीक है। एंड देयर इज नो एज, लोग 50 इयर्स की एज में भी नीट एग्जाम देते हैं, लोग 21 में भी देते हैं, लोग 18 में भी देते हैं, तो एज इज जस्ट नथिंग, जो ड्रीम होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। इफ योर ड्रीम इज टू बिकम डॉक्टर, नो मैटर, इस साल अच्छे से देंगे, बिल्कुल देंगे,
एक साल और भी लगा ना तो भी करेंगे, बट करेंगे तो MBBS करेंगे। अगर ये इच्छा आती है मन में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इसको 2 दिन के अंदर अंदर ही ले लीजिए, क्योंकि ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा। फिर आप बेटा कहते रहेंगे 30,000 का कर दिया, अब आपने 40,000 का कर दिया, अब इसको 5,000 नहीं हो पाएगा। दिस इज अ नेवर बिफोर एवर ऑफर, ठीक है जी। बाकी अगर मन में पूरा विश्वास है कि यार मेरे को एक, मैं तो चाहती हूँ तुम नॉट ओवर टाइम, आई रियली हेट इट, ठीक है, आई डोंट वांट कि तुम मेरी शक्ल भी दोबारा देखो नीट एग्जाम के बाद, बस काउंसलिंग के टाइम पे देख लेना, मैम को कॉन्ग्रेचुलेट कर देना कि मेरा यहाँ एडमिशन हो गया, बस मुझे इतना ही चाहिए, आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर देखनी पड़ी तो वहीं पर देखिएगा एंड तरीके से देखिएगा, ओके जी। एंड लग रहा है कि यार इसी साल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सोचने की कोई बात ही नहीं है, इसको लेकर रख दो, साइड पे रखो और अगले 20 दिन मेरे साथ लग जाओ। टेलीग्राम तुमने ज्वाइन कर लिया होगा, मैंने वहां पर आज 20 डेज का प्लान बनाया है, उसको वीडियो को जाके प्लीज सुनिए। एंड कल मैं 11th क्लास ही शुरू कर रही हूँ, ह्यूमन फिजियो का 1 शॉट है, उसको अटेंड करिए। एंड जो चीज आपके कंट्रोल में है ना उस पर फोकस करिए। नंबर कितने आएंगे कंट्रोल में नहीं है, पेपर होगा नहीं होगा कंट्रोल में नहीं है, मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा कंट्रोल में नहीं है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन पूरा होगा कंट्रोल में नहीं है। क्या कंट्रोल में है कि मैं अगले 20 दिन में अपना बेस्ट दे सकता हूँ, ये कंट्रोल में है, तो बस उस पर फोकस करते हैं, 20 दिन अपना बेस्ट देते हैं, फिर जो हमारे लिए बेस्ट भगवान ने सोचा होगा वो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है जी। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड कर रही हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड कल 1 शॉट अटेंड कर लेना। जो बच्चे सेफ साइड पर रहकर सिर्फ MBBS करना चाहते हैं, टाइम की कमी लग रही थी, उनके लिए मैंने नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक दे दी है, within 1 day ले लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना है, ठीक है जी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और एक चीज बताना मुझे कमेंट्स में, कितने नंबर आ रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, कितने नंबर आ रहे हैं ऑनेस्टी से लिख के जाओ, तुम्हें भी अपनी रियलिटी पता चलेगी, मुझे भी तुम्हारी पता चलेगी, मुझे भी पता चलेगा कि यार अभी कितना इम्प्रूवमेंट है, मैं आपको उसमें और मदद अच्छे से कर पाऊंगी। अगर आप मुझसे छुपाएंगे, बोलने से डरेंगे, कोई फायदा नहीं है, रियलिटी विल कम ऑन 5th of May। अभी आज आ जाएगी तो वी कैन इम्प्रूव, कल को आएगी तो मैं इम्प्रूव नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है जी। तो लिख के जाइएगा अपने नाम के आगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।